ग्रेनाइट या मार्बल कोई सा भी अपन स्टोन ले सकते हैं। इसमें ये डिजाइन बनाने का काम कारीगर का होता है और पॉलिश करने का काम पॉलिश वाले का होता है। तो अपन देख सकते हैं ये 120 नंबर है। इसके बाद अपन देखेंगे तो ये भी 120 नंबर है और ये देख सकते हैं 180 नंबर आ गया, फिर 220 नंबर है। इस तरह से अपन फिर लगाएंगे अपन 400 नंबर। 400 नंबर लगाने के बाद में फिर दोस्तों इसमें लगाएंगे डायरेक्ट 1000 नंबर, 600 नंबर, 800 नंबर भी लगा सकते हैं। 1000 नंबर लगाने के बाद में इसमें 1200 नंबर लगाएंगे। 1200 नंबर लगाने के बाद में इसमें 1600 नंबर लगाएंगे, फिर 2000 नंबर लगाएंगे। इसके बाद अपनी फाइनल पॉलिश पे आ जाती है। फिर देख सकते हैं अपन अभी ये लगा रहा है, ये 800 नंबर लगा रहा है। तो 800 नंबर लगाते हैं तो वो किस तरह लगाते हैं तो देख सकते हैं। इसमें अभी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अपन को अगर ज़्यादा अपनी फिनिशिंग से गलती नहीं बनाई हुई है तो अपन 60 नंबर ले सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं अपन ने ये टुकड़े कर रखे हैं, इसमें 120 नंबर है, 180 नंबर भी है। मतलब सभी तरह के रेगमाल इसमें आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना है अपन को 60 नंबर से लेकर और 2000 तक का रेगमाल आता है उससे अपन को इसकी पॉलिश करनी है। पॉलिश करते वक्त अपन को एक सावधानी ज़रूर बरतनी है, पानी से साथ में इसको लगाएं ताकि रेगमाल भी जल्दी नहीं घिसे और सफाई से अपनी कटिंग हो। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं तो इनसे अपन जैसा भी नंबर अपन को लगाना है वैसा अपन ने छोटे छोटे टुकड़े करके अपन लगाते हैं। अभी 320 नंबर है तो इसको लगाया है इसमें। उसके बाद में अपन ने अब देख सकते हैं इसमें ये पॉलिश अपनी फाइनल पे आ चुकी है और अब इस पर लास्ट जो काम है अपना वो इसमें चमक लाने का है। और चमक किस तरह लाएंगे तो उसके लिए अपन को 2000 नंबर इसमें बढ़िया तरीके से लगाना होगा। बढ़िया तरीके से रेगड़ रेगड़ के पानी लगाकर इसको लगाना होगा, काफ़ी मेहनत का काम है। इस तरह इसको लगाएंगे। उसके बाद में अब इसमें लास्ट में जो काम है अपना उसको करने के लिए अपन को ध्यान में रखने वाली बातें हैं, जैसे कि अगर अपन ने अभी गलता और मोल्डिंग की पॉलिश की है, गलता मोल्डिंग की पॉलिश करने के लिए अपन ने रेगमाल का उपयोग किया है और जैसे प्लेन पत्थर है उसकी पॉलिश करने के लिए अपन को मशीन की यूज ले सकते हैं। गलता और मोल्डिंग में अपन मशीन का यूज नहीं ले सकते। मशीन का यूज करने के लिए आपको बड़ी मशीन का उपयोग करना पड़ेगा, वो काफ़ी महंगी आती है, उसका काफ़ी कॉस्ट है। और दोस्तों इसमें अपन बढ़िया और अच्छी चमक लाने के लिए रेगमाल से ही इसकी अच्छी पॉलिश ला सकते हैं। गलता मोल्डिंग की पॉलिश करना अपन ने सीख लिया है, अब अपन प्लेन पत्थर है उसकी पॉलिश करना देखेंगे। तो इसमें अपन ने हैंड मशीन ली है तो उससे अपन ने इसमें पेड लगाकर जो पेड आती है मशीन की देख सकते हैं, इस तरह की पेड आती है इनको, ये हर नंबर में आपको मिलेगी, जैसा भी आपको नंबर लेना है वो सारी उपलब्ध है। इस तरह से पेड लेते हैं और उनसे नंबर वाइज नंबर इसमें लगाते हैं और लास्ट में जब फाइनल हो जाती है तो इस तरह की गद्दी आती है, उस पर केमिकल आता है इस कागज़ के टुकड़े में रखा हुआ है, तो उसको अपन निकाल कर इसके ऊपर डालते हैं और इससे जो चमक आती है वो किसी से भी नहीं आती। ये बिल्कुल आटा वैसे मोटा है और इसको कूट कूट के अपन ने बिल्कुल बारीक कर रखा है, बिल्कुल अपना पाउडर होता है, आटा होता है, इस तरह से इसको कर रखा है। तो इससे चमक लाने के लिए अपन को इससे लास्ट में जाकर इसकी बट्टी मारनी है। देख सकते हैं अपन ने बट्टी के ऊपर जो गद्दी होती है उसके ऊपर अपन